तालियां बजानी होती है। किपी सर, एज पर योर फिल्म यहाँ पर भी एक गिरफ्तारी हुई हुई है और जैसे आप वहाँ लोग छूटने की पूरी कोशिश कर रहे हो, भगाने की पूरी तैयारी है, ये बेचारा ये लड़की सी कैदी, इसको आपने बचा लिया। आइए जरा प्लीज मैदान में आइए। अच्छा, मुझे तो आप पता चला कि कैदी इतने क्यूट भी होते हैं। फिल्म की मैं बहुत दिन रहा जेल में, मुझे पता नहीं था, मुझे तो मतलब राजेश जी, राम जी, फरहान भाई सब ऐसे ही मिले। ये जब से कैदी बनी है भाजी तभी से क्यूट है, उससे पहले गर्लफ्रेंड थी बिल्कुल क्यूट नहीं थी। आइए इधर आइए भाजी। तो सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है जी आपसे मिलकर। थैंक यू जी। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा और वो मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप मेरे पूछे तीन सवालों का जवाब देंगे तो ये कैदी छूटेगी। जरा भाई क्यूट कैदी, नाम की क्यूट है, सामने बॉम्ब लिखवाया हुआ है, इसी वजह से इसी को हमने जेल में बंद किया क्योंकि इसी बॉम्ब के चक्कर में लड़ाइयां होती है। पहला सवाल जी, इतने लोग गाना गाते हैं आपकी जिंदगी में, इतने लोगों ने गाना गाया होगा, अब हर आदमी आपके जैसा अच्छा तो गाता नहीं, जैसे मैं जब गाता हूँ तो मेरी बीवी चपेट मार देती है मुझे जी, लेकिन आपकी नजरों में अगर कोई बहुत ही बेसुरा आदमी जो गाता है उसको जेल में बंद करना हो तो वो कौन सा आदमी हो? इसको बंद करना होगा। हाँ जी, मैं बंद करूंगा। नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, बहुत अच्छा। आप जरा कभी गा के सुनाइएगा। अच्छा, मुझे लग रहा है कि अगर किसी को बहुत कौन होगा वो जी, कौन होगा? मुझे आपकी बीवी पर बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है वो आप होंगे। मेरे को जब उन्होंने बोला बीवी, मुझे लगा बीवी बंद करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए जी, बहुत अच्छे दो और सवाल और लड़की जो है वो छूट जाएगी जी। अब आप जेल में थे इतनी देर जी, है ना, वो तो बदकिस्मत थी कि आदमियों के साथ फंसे थे, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई ऐसी एक्ट्रेस बोले आओ गिप्पी जेल चले जी, तो किसके साथ जेल में बंद होना चाहेंगे? कोई बोले तो सही, मैं सबके साथ बंद। तो मैं क्या है ना, दीपिका के साथ बंद होना चाहूंगा। मुझे कन्फर्म है, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि ये मौका आपको जिंदगी में कभी नहीं। मुझे पता था कि आगे से कुछ ऐसा जवाब मिल सकता है, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया था। नाम नहीं लिया था, मनी मन तो बता दिया आपने क्या चाहते हैं आप। तीसरा और अहम सवाल ये है कि अब जब गिप्पी ग्रिवाल बिग एफएम के ऑफिस आएंगे, आरजे अभिमन्यु यहाँ मिलेगा, आरजे अंशु यहाँ मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गाना ना सुने? बिल्कुल सुनाएंगे। आप मुझे गाना एक अच्छा सा सुनाएंगे और ये कैदी हम छोड़ देंगे। तू कहाँ हारा की बनवा ली? परेशान कर देती है, सारी फट गया। बहुत बहुत शुक्रिया।
सेक्रेटरी ग्रेवाल हियर एट द बिग एफएम स्टूडियोस लखनऊ सेंट्रल जो फिल्म इनकी आने वाली है इट इज अ फैंटास्टिक मूवी इट हैज अ फैंटास्टिक ट्रेलर एंड सर का कैरेक्टर इज वेरी जबरदस्त अच्छा डिजिटली आपको इस वक्त पूरा बिग एफएम देख रहा है कुछ कहना चाहेंगे बस कहना यही है कि 15 सितंबर को फिल्म आ रही है आप देखिए बताइए परमिंदर सिंह गिल पाली किदा लग रहा है सो कैंट कैरेक्टर है बड़ा खतरनाक बंदा है देखिए एक एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि फरहान अख्तर आपके साथ इस फिल्म में काम कर रहे थे सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद फरहान अख्तर एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम एज हाउ इज ही एज अ पर्सन बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हैगा ते बहुत बढ़िया लगया काम करके मेनू ते एक्टर था ही अच्छे नो डाउट सो इन एवरी डायरेक्टर इंसान बहुत बढ़िया जी आज सवेरे सवेरे घरे असि उन्होंने बहुत परौंठे खड़ा के आए हैं सो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट बड़ा जदों तो मिलखा की उन्होंने रूल फॉलो ही कर ले मतलब जेडे जिन्होंने आप बहुत मुश्किल ना लैके उन्होंने ऐब सिक्स पैक उन्होंने जाते ही नहीं गए सही गल पक्के ही उन्होंने फिट किए ने अज मैं बहुत कोशिश की अब मैं उन्होंने इन्ने परौंठे खड़ा के भेजे इतों भी उम्मीद है कि उन्होंने वो पैक्स जा उड़ गए वैसे मैं एक बार सबको बता दूं एक बार फिर से बड़ा जरूरी मेरे जेल में मैं यही सोचता था कि ये तो इनका ये बोर ही नहीं होते होंगे शूट के दौरान वो भी गाते ये भी गाते अपना लगते होंगे आराम से गाना बजाना करने के लिए और लखनऊ सेंट्रल में भी ये गाते बजाते नजर आएंगे फिल्म इज इंटेंस द मूवी इज इंटेंस गिप्पी ग्रेवाल इज हियर रन अप्लॉज